नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल जिला के बिहार से आ रही है, जहां एक अज्ञात कार ने 15 लोगों को रौंदा और जिसमें 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अज्ञात कार का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। सभी घायलों को पहले रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस वारदात घटना को देखते हुए परिजनों ने बताया कि एक कार छतापुर की तरफ से आ रही थी, जिसने 15 लोगों को रौंद दिया। वहीं त्रिवेणीगंज SDM शेख जेड हसन ने बताया कि अज्ञात कार छतापुर की तरफ से एक शख्स को ठोक कर और टक्कर मार कर आ रही थी। इसी दौरान जदिया के पास 15 लोगों को भी रौंद डाला। इस बड़ी घटना से सारे इलाके में सनसनी फैल गई। मधेपुरा बिहार से अमीर आजाद की रिपोर्ट। छतापुर से गाड़ी आ रही थी चार चक्का, सभी लोग किनारे खड़ा था और सभी गाड़ी धक्का सबको मारते निकल गई गाड़ी। कितने आदमी घायल हुए हैं? 15 आदमी। 15-20 सभी एक्सपायर भी कोई किए हैं क्या? नहीं, वहाँ घटनास्थल पर नहीं हुआ है, लेकिन नाजुक स्थिति है। 4-5 आदमी को रेफर कर दिया गया। आ रहे थे ये लोग रोड के किनारे अपने दरवाजा पर, सब यहाँ से वहाँ बैठा हुआ, उधर से गाड़ी स्कॉर्पियो ठोकर मारते निकला। कितने आदमी घायल हुए? लगभग 15-20 आदमी। कोई एक्सपायर भी किया है? एक्सपायर अभी तो नहीं किया है, लेकिन दो तीन इसमें बचने वाला नहीं है, कमजोर हालत है, जिसको रिफर किया गया। किस जगह की घटना है ये? थाना से जस्ट उत्तर। कौन थाना से? जदिया थाना से उत्तर, NH के साइड में। NH के साइड में उपेंद्र शाह के घर के सामने। एक रोड रेस का मामला है, जैसा कि दर्शक जो चश्मदीद लोग हैं वो बता रहे हैं कि छातापुर की तरफ से एक कार कॉफ़ी कलर की वो आ रही थी। पहले से उसका शीशा भी कहीं फूटा हुआ था और उसने सबसे पहले उसने एक वृद्ध है सोभी यादव को धक्का मारा। ये छातापुर, ये जदिया क्षेत्र में मार्केट कोरिया पट्टी और जदिया के बीच में जो मार्केट एरिया है, उसके पहले वहाँ पर धक्का मारा और धक्का मारने के बाद वो लगातार भागते रहा और भागने के क्रम में लगभग 15 आदमी को धक्का मारा। तो 15 आदमी को धक्का मारा, सभी को हॉस्पिटल यहाँ पे रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज लाया गया है। प्राथमिक उपचार करके एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को सदर अस्पताल हम लोग भेजवाए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनका भी हम लोग चेक कर रहे हैं, और जो भी सीरियस पेशेंट हैं या जिनको हेड इंजोरी है, कहीं शंका है, वैसे लोगों को हम लोग अभी रेफर करा के सदर सुपौल अस्पताल में उसकी पूरी जांच करा के उसका इलाज। अभी तक इसमें किसी की मौत भी हुई है? नहीं, मौत की सूचना अभी तक नहीं है। जो भी सीरियस पेशेंट थे उनको इमीडिएट हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के टीम के द्वारा तुरंत हम लोग भेज दिए हैं उसको। अब वहाँ जाने के बाद अभी तक वहाँ से कोई फीडबैक नहीं हुआ है कि इसमें कि दुर्घटना में किसी की मौत हुई। इस दुर्घटना